दुनिया का कोई भी देश, दुनिया की कोई भी विचारधारा, दुनिया का कोई भी आंदोलन युवा शक्ति के बिना सशक्त नहीं बन सकते। ये युवा शक्ति ही है जिसके दम पर किसी भी देश के विकास की बुनियाद रखी जाती है। और सच तो ये है कि आज की तारीख में भारत दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। भारत की कुल आबादी में 13 से 35 साल के 60 करोड़ युवा हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि भारत का यही युवा वर्ग रोजगार के अवसरों की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। कभी अपनी काबिलियत के मुताबिक नौकरी न मिल पाना, तो कभी हाथ में हुनर ना होने की वजह से देश में बेरोजगारों की कतार बढ़ती जा रही थी। इस पर महंगे कोर्स की पढ़ाई ना कर पाने का मला। लेकिन एक शख्स ने बेरोजगारी की वजह से युवाओं के बीच बढ़ती इसी कुंठा को समझा और उन्हें एक मंत्र दिया। मंत्र अपने ही हाथों अपना भविष्य संवारने का मंत्र PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देश का कोई नौजवान हाथ फैला करके कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो दयनीय जिंदगी जीना नहीं चाहता, वो आत्मसम्मान से जीना चाहता है, वो गर्व से जीना चाहता है। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है। और इसलिए ये स्किल डेवलपमेंट ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास। आज 5 साल बीत जाने के बाद इस योजना का सच क्या है? भारत को आजाद हुए 74 साल होने को हैं और देश की आबादी का आंकड़ा 1,30,00,00,000 को पार कर चुका है। जानकारों के मुताबिक साल 2050 तक भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अगर जनसंख्या के इस आंकड़े में करीब आधी आबादी महिलाओं की है, तो ये भी सच है कि भारत की इस जनसंख्या में एक बड़ी तादाद हमारे युवाओं की है। आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश में युवाओं की औसत आयु 28 साल है। और इसमें भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारे देश की एक तिहाई आबादी यानी 26.3% आबादी की उम्र महज 15 साल या उससे भी कम है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। सच तो ये है कि सरकार के सामने पहले से ही युवाओं को रोजगार के अवसर की चुनौती है और आने वाले सालों में ये चुनौती और भी बड़ी होने वाली है। लिहाजा 15 जुलाई 2015 को भारत को विश्व की स्किल कैपिटल बनाने के मकसद से PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई। लेकिन 5 साल बाद क्या वाकई इस योजना का फायदा देश की युवा शक्ति को मिल रहा है जिनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई? न्यूज 18 इंडिया की टीम ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए अपना सफर शुरू किया और इस तहकीकात के पहले चरण में हमारी टीम की मंजिल थी राजधानी दिल्ली के ओखला इलाके में बना प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। इस योजना का मकसद ये था कि जो युवा काम सीखना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो मुफ्त में अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके बाद अपने रोजगार की शुरुआत कर सकते हैं। अब जब 5 साल इस योजना को हो चुके हैं, तो हम ये जानने के लिए निकले हैं कि इसका कितना फ़ायदा युवाओं को मिल रहा है, किस तरह की वो ट्रेनिंग लेते हैं और क्या ट्रेनिंग के बाद उन्हें रोजगार मिल भी रहा है या नहीं। दिल्ली के ओखला में हम मौजूद हैं, सामने कौशल केंद्र है प्रधानमंत्री का। ओखला कौशल केंद्र में हमारी टीम सबसे पहले उस क्लासरूम में गई जहां 30 लड़के और लड़कियां सुइंग मशीन ऑपरेटर यानी सिलाई मशीन का काम सीख रहे थे। क्लासरूम में बैठे तमाम नौजवान काफी खुश दिखाई दे रहे थे। हमारी टीम ने क्लास में टेलरिंग का काम सीख रहे छात्रों से बात करनी शुरू की।
ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा मुझे और अच्छी ट्रेनिंग भी मिलेगी। मैं यहाँ से अच्छे जॉब की तलाश में थी बहुत दिनों से, तो इसलिए मैं ये करके और अच्छे प्लेसमेंट पे मैं जा सकती हूँ यहाँ से। हमारे फैमिली में पैसों की बहुत दिक्कत थी, जिसकी वजह से हम आगे की पढ़ाई के लिए हम इतना सपोर्ट नहीं होता था फैमिली वालों से। बट अब क्या है कि मैं यहाँ से जॉब करने के बाद जो इनकम आएगी उससे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ, इसलिए फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छी योजना है कि हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने ये स्कीम चलाई ताकि हम अपना आगे का फ्यूचर कर सकें, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और मुझे इससे बहुत सपोर्ट मिलेगा। स्विंग मशीन ऑपरेटर का काम सीख रहे तमाम युवाओं का कहना था कि वो PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बदौलत ही ये काम सीख पा रहे हैं और वो भी बिना एक पैसा खर्च किए। उन्हें उम्मीद है कि इस कोर्स को पूरा करने के बाद अब वो अपना भविष्य भी संवार सकते हैं। यहाँ पर इनको ट्रेन किया जाता है कि ये कल को अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें। सिलाई मशीन का काम अगर सीख जाते हैं तो घर पर भी इसको शुरू कर सकते हैं, रोज़गार के तौर पर अपने परिवार के लिए अर्निंग कर सकते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो है आपको इन सेंटर्स पर नज़र आ जाएंगी, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो युवा हैं वो पहुँचते हैं और अपने लिए रोज़गार की तलाश करते हैं। हम PMKVY का सच तलाशने निकले थे, लिहाजा हम ओखला सेंटर के एक दूसरे क्लासरूम में गए जहां कुछ युवा इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे थे। लेकिन उनसे बात करने से पहले हमने उस शख्स से बात की जिसके कंधों पर इस केंद्र में युवाओं के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी है। आखिर कितनी चीजें आप सिखा रहे हैं आप इस सेंटर में? यहाँ पर हम 8 से 10 जॉब रोल में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं और तकरीबन हम लोग जो हैं 5,000 लोगों को यहाँ से ट्रेंड कर चुके हैं। और यहाँ पर हम जिन लोगों को ट्रेंड करते हैं उसके बाद उनको नौकरी भी लगवाते हैं हम लोग। तो हम अप्रोक्सीमेटली 4,500 के करीब लोगों को नौकरी भी लगा चुके हैं। अब बारी थी क्लासरूम में ट्रेनिंग ले रहे युवाओं से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की सच्चाई जानने की। स्टडी ख़त्म करी थी तो मेरे को उस टाइम पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, ना मेरे पास फाइनेंशियल मेरी कुछ अच्छी मेरे कंडीशन भी नहीं थी जो मैं कर पाऊँ कुछ। तो इसलिए फिर मैंने इस कोर्स के बारे में सुना जो मेरे को मेरे भैया ने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे कोर्स होता है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोर्स कराए जाते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने एडमिशन लिया, आज मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन उसमें बैच में अपना मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा था, मैंने यहाँ पे मेरी स्टडी चल रही है। मैं मीडियोलॉजी से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई ट्रेड कर सकूँ, कोई ITI जैसे सुविधाओं का लाभ ले सकूं, इसलिए प्रधानमंत्री ने इस योजना को फ्री, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनकी कोई पे चार्ज नहीं है और इससे हम करके अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। यहाँ प्रशिक्षण ले रहे युवाओं के मुताबिक अगर उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग किसी दूसरे संस्थान में लेनी पड़ती तो उसके लिए उनके परिवारों को काफी पैसे खर्च करने पड़ते और नौकरी मिलने की गुंजाइश भी बहुत कम रहती। लेकिन PMKVY के तहत कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें नौकरी मिलने का भी भरोसा है। ओखला सेंटर के गलियारों में घूमने के बाद हमारी टीम के कदम थमे रिटेल लैब के सामने। पता करने पर जानकारी मिली कि इस क्लास में युवाओं को शॉपिंग सेंटर या मॉल में काम करने के सलीके सिखाए जा रहे हैं। What is retail? यानी इस हॉल में बच्चों को एक अच्छा सेल्समैन या सेल्स गर्ल बनने की तालीम दी जाती है। हमें सच की तलाश थी, लिहाजा हमने क्लास के कुछ बच्चों से बात की। ये बहुत ही अच्छी योजना है, अगर एज अ युवा अगर देखा जाए तो, मतलब अगर आफ्टर 12th अगर किसी के पास पैसा नहीं होता तो वो ये ज्वाइन करके अपना करियर आगे बढ़ा सकता है और कुछ अर्निंग कर सकता है। फिर इन फ्यूचर वो क्या कहते हैं कि अगर वो इन फ्यूचर कुछ स्टडी के लिए पैसे इकट्ठे कर सकता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने यहीं से कोर्स किया है और अभी वो प्लेस्ड है अच्छे ब्रांड में, रंगरीती में वो प्लेस्ड है। तो उसने मुझे देखा था कि मैं बहुत परेशान थी जॉब के लिए, तो उसने मुझे सजेस्ट किया यहाँ के लिए। एक तो ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए है, ऊपर से फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये लोग हमें 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। ओखला के कौशल केंद्र में अब तक हमने जितने भी युवाओं से बात की थी, उन सभी का कहना था कि PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बदौलत उनके सपनों को नई उड़ान मिली। PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि देश के युवाओं को रोजगार के ज्यादा और नए अवसर मिल सके। PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना खुद पीएम मोदी ने 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर शुरू की थी। PMKVY देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई। इस योजना के पहले चरण में देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। PMKVY के तहत ऐसे युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। PMKVY में 33 सेक्टरों के कोर्स शामिल किए गए हैं। इन कोर्स में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होगा। ट्रेनिंग का पूरा खर्च सरकार उठाती है। PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 5 साल में देश के 707 जिलों में 723 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों की स्थापना की गई है। इस योजना के तहत 2022 तक 4 करोड़ युवाओं को व्यवसाय और इंडस्ट्री के हिसाब से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। ओखला के प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में हमारी मुलाकात राहिमा से भी हुई। राहिमा ओखला के कौशल केंद्र में काउंसलिंग का काम करती हैं। राहिमा ने साल 2017 में इसी सेंटर से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की ट्रेनिंग ली। उसके बाद सेंटर की बदौलत उन्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। करीब 2 साल प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के बाद राहिमा ओखला के ही सेंटर में बतौर काउंसलर सिलेक्ट हुई। और आज वो यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों की काउंसलिंग करती हैं। इंडिया लेंस कंपनी में मेरी यहाँ से प्लेसमेंट हुई थी। बहुत अच्छा ऑफिस एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छी कंपनी भी थी। मेरी सैलरी वहाँ पे एज अ फ्रेशर 13,000 थी। या मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरी 13,000 सैलरी होगी एज अ फ्रेशर। तो 13,000 मेरी सैलरी थी। 1 ईयर मैंने वहाँ पे जॉब करी। 1 ईयर जॉब के बाद मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी थी। मैंने बोला था कि आप मुझे भी जॉब बताइएगा, मुझे अपनी जॉब स्किप करनी है। सो कॉन्टैक्ट में थी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई। अब मुझे यहाँ पे भी 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है। राहिमा का कहना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बदौलत आज उनकी जिंदगी बदल चुकी है। लेकिन राहिमा अकेली नहीं है जो PMKVY की बदौलत सफलता की नई कहानी लिख रही है। ओखला सेंटर में हमें अमान के बारे में पता चला, लिहाजा अब हमारी टीम सेंटर से निकलकर अमान की तलाश में निकल पड़ी। हमारी तलाश हमें दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में ले आई। तंग गलियों से गुजरते हुए हम अमान की दुकान तक पहुंचे। पहाड़गंज में अमान की इलेक्ट्रिशियन की दुकान है और अब बारी थी अमान से सच जानने। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जानने के लिए जब हम दिल्ली के एक सेंटर में गए थे तो वहाँ हमने कई बच्चों को अलग अलग चीज़ों में ट्रेनिंग लेते हुए देखा, लेकिन हमने कुछ और खंगालने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि ट्रेनिंग के बाद आखिर क्या होता है, क्या ये युवा रोजगार पा रहे हैं या फिर ये सिर्फ ट्रेनिंग ही ले पा रहे हैं। लेकिन हमें जानकारी मिली थी अमान के बारे में, तो दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में हम पहुंच गए हैं जहां पर अमान की एक छोटी सी इलेक्ट्रिशियन की दुकान है। ये यहां पर काम करते हैं, इन्होंने वहीं उसी सेंटर से ट्रेनिंग ली है और अब खुद का जो है खुद की एक शॉप है और उस पर काम करते हैं। अमान, आपने कब वहां से ट्रेनिंग ली थी? जनवरी 2018 में। तो मैंने वहां से इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग ली जो 60 डेज की थी और वहां मुझे काफ़ी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिला। प्रैक्टिकल सॉफ्ट स्किल एंड इलेक्ट्रिशियन के थ्योरी वोरी सारी सीखने को मिली और उसके बाद वहाँ से मुझे एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया गया जिससे उसके बाद मुझे जॉब के लिए भी प्रोवाइड किया गया। और मैंने जॉब कुछ दिन की, वहाँ से जब मैं थोड़ा ट्रेन हो गया तो फिर मैंने अपनी दुकान खोलने की सोची और उसके बाद फिर मैंने अपनी एक छोटी सी दुकान स्टार्ट की। बकौल अमान, PMKVY ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और इस योजना की वजह से आज वो अपने पाँव पर खड़े हैं।
अमान से मिलने के बाद हमारी टीम पहुंची एक शॉपिंग सेंटर पर। यहां हमारी मुलाकात रंजीता से हुई। रंजीता ने भी ओखला सेंटर से सेल्स गर्ल की ट्रेनिंग ली है, लेकिन दुकान पर रंजीता व्यस्त थी, लिहाजा हमने उनके घर जाकर उनसे बात करने का फैसला किया। जब सोच सुना रिटेल के बारे में और कि 100% प्लेसमेंट भी देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। 45 डेज शॉर्ट टर्म है काफ़ी, तो कोई बनता भी, अगर मान लो कुछ बिगड़ता नहीं तो कुछ बनता भी नहीं, तो 45 डेज तो मैं दे ही सकती थी, तो मैंने दिया और आज सच में सक्सेसफुल हूँ मैं। एक साल हो गए मुझे, तो अभी भी मैं करीब 16,000 के आसपास मैं अर्न कर रही हूँ और अपने फैमिली को फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही हूँ। अभी हमारी तलाश खत्म नहीं हुई थी, लिहाजा हम अपनी तहकीकात का दायरा बढ़ाते हुए पहुंचे दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर। यहाँ हमारी मंजिल थी ग्रेटर नोएडा में बना प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। अब हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा इलाके में, जहां पर एक और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बना हुआ है। यहां पर भी कई सारे युवा हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और यहां भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्रेनिंग के बाद युवाओं को रोज़गार मिल पा रहा है या नहीं। सेंटर के अंदर जाने पर हमें पता चला कि यहाँ युवाओं को एनिमेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, लिहाजा हमने यहाँ ट्रेनिंग ले रहे छात्रों से ये जानने की कोशिश की कि उन्हें इस ट्रेनिंग से कितना फायदा मिल रहा है। सर, इस सेंटर में मैं एनिमेशन का कोर्स सीख रहा हूँ, जो कि क्या है, ये मेरे लिए इसलिए फायदेमंद है, अगर मैं बाहर प्राइवेट सेंटर में किसी में जाता हूँ सीखने के लिए तो करीबन उसकी फीस 1.5 से 2 लाख रुपये होगी, जो कि मेरे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जो मोदी जी ने इस योजना का आयोजन किया है तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है हम जैसे यूथ के लिए, कि जो हम एक मिडिल क्लास ऑब्दे से बिलोंग करते हैं। क्या आप कर पाते अगर ये योजना नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, पॉसिबल ही नहीं कि हम फिर BSc और वही सब करके रह जाते हैं। इन युवाओं से बातचीत करने के बाद हमें ये समझ में आया कि एनिमेशन जैसे महंगे कोर्स की तालीम जो उन्हें यहाँ मुफ्त में मिल रही है, उसी कोर्स के लिए उन्हें किसी दूसरे संस्थान में काफी पैसे खर्चने पड़ते, लेकिन PMKVY की बदौलत आज उनका सपना पूरा हो रहा है। सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर योगेश कुमार ने बताया कि PMKVY युवाओं के लिए बिना कोई फीस दिए अलग अलग व्यवसायों की ट्रेनिंग लेने का सबसे बेहतरीन मौका है। देखिए, जो ये गौतम बुद्ध नगर का सेंटर है अपने आप में इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है और वो इंडस्ट्री की हमेशा से ये कंप्लेन आती थी कि उनको ट्रेन मैन पावर नहीं मिल पाती है, तो इस सेंटर के बनने के बाद काफ़ी जो इंडस्ट्री है इस क्षेत्र की उनको अब ट्रेन मैन पावर मिलने लगी है। अब हमें तलाश थी ऐसे युवाओं की जो ग्रेटर नोएडा कौशल केंद्र में ट्रेनिंग लेने के बाद खुद का काम कर रहे हों, लिहाजा हम राहुल और शोएब तक पहुंच गए। इन दोनों ने ग्रेटर नोएडा के सेंटर से पहले एनिमेशन का कोर्स किया और आज एक साथ खुद का काम कर रहे हैं। इनसे बातचीत में पता चला कि राहुल ने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है और बच्चों को सिखाते भी हैं। राहुल, ये बताइए कि आपने कब ये कोर्स किया था, उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है? सर, हमारे सेक्टर शहर में कैंप लगा हुआ था GIMT करके, वहाँ पे हमने एडमिशन लिया, एनिमेशन के कोर्स के बारे में पता किया। 3 महीने का कोर्स था, सर्टिफिकेशन कोर्स था, हमने एक सर्टिफिकेट लिया अपने और हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखे और आज की डेट में हमने अपना खुद का एक कंपनी खोली है और मैं अपना यूट्यूब चलाता हूँ और मैं अभी भी उस चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वहाँ पर जाता हूँ, बच्चों को उन्हें फ्रीलांसिंग के लिए गाइड करता हूँ थोड़ा सा, और उनको जो नए यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं मैं उनको हेल्प करता हूँ। 12th के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी तो पैसे नहीं थे, इस वजह से आगे नहीं पढ़ पाए। उसके बाद मैं तलाश कर रहा था कुछ काम करने की, तो जॉब तो मिलना मुश्किल था क्योंकि पढ़ाई नहीं की थी ज़्यादा। मुझे एनिमेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स सबसे अच्छा लगा, मैंने इसमें एडमिशन लिया। 3 से 4 महीने बाद कोर्स कम्प्लीट हुआ, एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद कुछ टाइम बाद ही हमें काम मिलना स्टार्ट हो गया। राहुल और शोएब से मिलने के बाद हमने रुख किया ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर इलाके की तरफ। यहाँ हमारी मुलाकात सितारा से हुई। सितारा इलाके की तेजा मार्केट में वेद डिजाइनर के नाम से अपना बुटीक चलाती है। सितारा ने भी ग्रेटर नोएडा के कौशल केंद्र से टेलरिंग का कोर्स किया और फिर अपनी खुद का बुटीक और कॉस्मेटिक शॉप खोली। घर में कोई कमाने वाला नहीं था
तो घर की स्थिति सही नहीं थी, घर में 6-6 मेंबर हैं, एक के कमाने से क्या होता है। फिर किसी के थ्रू पता चला कि वो उसमें प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, उसमें जाके मैंने सिलाई सीखी, तो जिससे कि मुझे सिलाई से आगे बढ़ने का जरिया मिला। सच तो यह है कि देश की युवा शक्ति को रोजगार के अवसर देने के बारे में इतने बड़े पैमाने पर किसी सरकार ने नहीं सोचा, लेकिन आज PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बदौलत देश के युवाओं को जहां नौकरियों के ज्यादा अवसर मिल रहे हैं, वहीं ये योजना उनके लिए स्वरोजगार का जरिया भी बनती जा रही है। इस योजना के जरिए देश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और आत्मनिर्भर बनाना है। PMKVY का तीसरा चरण देश के 600 जिलों में 15 जनवरी 2021 को शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में एक साल में 8 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन युवाओं की ट्रेनिंग पर करीब 950 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले दो चरणों की सफलता के बाद तीसरे चरण में कुछ नए संशोधन किए गए हैं। तीसरे चरण में युवाओं को न्यू एज और कोविड से संबंधित तकनीक में प्रशिक्षित किया जाएगा। PMKVY के तीसरे चरण में 729 PMKK यानी प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों, गैर PMKK प्रशिक्षण केंद्रों और 200 से ज्यादा IIT संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद सरकार युवाओं की आर्थिक सहायता के साथ नौकरी दिलाने में भी मदद करती है। सच तो ये है कि PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बदौलत पिछले 5 साल में देश के 1,21,00,000 युवा अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं। आंकड़े भी बताते हैं कि प्रशिक्षण हासिल करने के बाद 58% युवा या तो नौकरी हासिल कर चुके हैं या फिर खुद अपना कामकाज कर रहे हैं। जो मोदी जी का विजन है लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत भारत के लिए और मजबूत भारत दुनिया के, उसमें भी कौशलीकृत युवाओं की मांग बढ़ी है और आकर्षण बढ़ा है। यानी कौशल से कल्याण, कुशल भारत अभियान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बदौलत देश आत्मनिर्भर भारत की राह पर बढ़ता जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्री माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हम जैसे युवाओं के लिए उन्होंने ये स्कीम चलाई।